हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। ए में अपने को पूछा है नाम द ईएम वेव विच आर द स्टेबल फॉर द रडार सिस्टम यूजिंग इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन राइट द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम वेव। बी में अपने को पूछा है इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमोसफेयर वुड इट द एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज नाउ एक्सप्लेन। एंड सी में अपने को पूछा है कि एन ईएम वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंट जस्टिफाई। तो पहले अपने क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अपने पास की कॉन्सेप्ट के रूप में अपने पास क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट अपने पास हो जाएगा देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाए। अब अपने को तीन क्वेश्चन पूछे हैं, तो अपने पहले ए का देखते हैं। देखिए ए की अपने बात करें तो पहले अपने क्वेश्चन में देखिए अपने को पूछा है कि ऐसी कौन सी ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो रडार सिस्टम के लिए क्या रहती है, सुटेबल रहती है। तो देखिए रडार सिस्टम के लिए कौन सी वेव रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो रहती है वो क्या रहती है रडार सिस्टम के लिए, अपने पास सुटेबल या अपने कहें कि आइडियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी क्या होती है शॉर्ट वेवलेंथ रहती है। शॉर्ट अपने पास वेवलेंथ के कारण ये क्या है आइडियल है किसके लिए, फॉर रडार एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है, फिर अपने को पूछा है कि इसकी अपने पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करें, तो माइक्रोवेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 9 से अपने पास किसके बीच में होती है, 10 की पावर 12 हर्ट्ज के बीच की रेंज जो है वो इसकी क्या रहती है फ्रिक्वेंसी की रेंज रहती है। तो ये अपने पास हो जाएगा ए का आंसर। फिर अपने बात करते हैं देखिए बी का। बी की अपने बात करें तो बी में अपने को क्या पूछा है, देखिए बी अपने देखते हैं कि इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमोसफेयर। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो अपना एटमोसफेयर होता है ये काम किस प्रकार से करता है। ठीक है, एटमोसफेयर, तो देखिए एटमॉस्फेयर का अपने नॉर्मली है वो अपने वर्क जानते हैं कि एटमॉस्फेयर है वो अपने मोस्टली किस में यूज करते हैं, अपने ग्रीन हाउस में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या करता है, अपने पास जो सन होता है देखिए, ठीक है सन से ये क्या करेगा, जो भी हीट आती है उसको क्या क्या करता है ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद ये ग्रीन हाउस के रूप में अपने देखते हैं कि अपने क्या है टेम्परेचर जो है, या अपने कहें कि जो क्लाइमेट है उसको क्या करता है हीटेड करता है, क्लाइमेट को हीटेड करता है। तो यहाँ से एटमोसफेयर का वर्क है वो अपने को मिल गया कि जो एटमोसफेयर है वो क्या करता है क्लाइमेट को हीट करता है। अब जब एटमोसफेयर नहीं होएगा तो अपने पास क्या होएगा, जो अपना क्लाइमेट है वो हीटेड नहीं होएगा, तो अपना जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने बोल देंगे कि जो अपना टेम्परेचर रहेगा अगर अर्थ का एटमोसफेयर ना हो तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा रैपिडली डिक्रीज, रैपिडली अपने पास क्या रहेगा डिक्रीज रहेगा, या अपने बोल सकते हैं कि सम कोल्ड अपने टेम्परेचर है वो रहेगा, तो रैपिडली डिक्रीज है वो अपने को टेम्परेचर देखने को मिलेगा। फिर अपने बात करते हैं देखिए सी पॉइंट की। सी पॉइंट की अपने बात करें तो अपने को दिया गया है कि जो ईएम वेव है यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रेशर ऑन द सरफेस करती है, तो विच इज इंसिडेंस जस्टिफाई करना है कि किस प्रकार से। तो देखिए अपने एक चीज जानते हैं कि जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके पास अपना क्या होता है सेल्फ मोमेंटम होता है। ये अपने जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपने जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां अपने पढ़ते हैं कि इनका क्या होता है सेल्फ मोमेंटम होता है। ठीक है, जब अपने पास मोमेंटम होता है तो ये क्या करता है किसी भी सरफेस पे जब अपने लगाएंगे तो जितना मोमेंटम अपने लगाते हैं उतना ही मोमेंटम सरफेस से देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली अपने बॉल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक बॉल को जब अपने वी वेग से फेंकते हैं तो इसके अंदर अपने क्या डालते हैं मोमेंटम डालते हैं, और मोमेंटम डालने के कारण क्या होता है ये जैसे ही किसी दीवार पे टक्कर करती है तो मोमेंटम है वो ट्रांसफर होता है और अपनी बॉल है वो वापिस अपनी ओर आती है। तो ये किसके कारण आती है मोमेंटम के कारण आती है, क्यों, क्योंकि ये जो
अपने पास सरफेस रहती है, यहाँ पे क्या क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए अपने बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका सेल्फ मोमेंटम होने के कारण अपने पास जो प्रेशर है वो अपने को देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा अपने पास थर्ड सी का ऑप्शन। तो इस प्रकार अपने ने यहाँ पे देखिए तीनों क्वेश्चन है वो अपने सोल्व कर दिए हैं, ए बी एंड सी। तो ये था इसका सोल्यूशन। थैंक यू।